साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार पवन कोचिंग क्लासेस जौनपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पर्यावरण के तहत हम लोग वायुमंडल पढ़ रहे हैं। वायुमंडल के लगभग 3 वीडियोस हमने डाल चुके हैं और इन 3 वीडियो में हम लोगों ने अब तक वायुमंडल की परतों के तहत समताप मंडल तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है बाकी की परतों को पढ़ेंगे। वायुमंडल में ताप के आधार पर कुल 5 परतें पाई जाती हैं। इन 5 परतों में हम लोग जो है 2 परतों को पढ़ चुके हैं। आइए आज हम लोग जो है बाकी के परतों को पढ़ते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करेंगे कि जो भी मित्रगण इस वीडियो को देख रहे हैं वह अपना चैनल यानी कि DK क्लासेस विद पवन कोचिंग क्लासेस जौनपुर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कल हम लोगों ने ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग जो है इससे ऊपर चलेंगे। देखिए, कल हम लोगों ने जहाँ पर ये समताप मंडल है, समताप मंडल तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। समताप मंडल में और एक लेयर पड़ती है जिसको कहा जाता है ओजोन मंडल। क्या कहा जाता है? ओजोन मंडल, जो कि समताप मंडल में पड़ती है। ये समताप मंडल में ओजोन लेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हमने बोला है कि इसके लिए आप लोगों का एक अलग से वीडियो होगा जिसके बारे में हम लोग पर्यावरण के तहत जैसे ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओजोन क्षरण है, वैश्विक तापन, इन सारे जो पर्यावरण की विविध जानकारियां हैं उसके लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। बहरहाल ये जो पर्यावरण के तहत वायुमंडल चल रहा है उसके तहत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है जो ओजोन परत के नाम से जानी जाती है, जिसके तहत यहाँ पर टेम्परेचर, हमने कल बात किया था कि टेम्परेचर जो है धरती से ऊपर जाने पर क्या होता है, घटता है। वैसे तो जो है सूर्य के नजदीक जाने पर टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर गैसों की जो मात्रा है सबसे ज्यादा निचले स्तर पर है, यानी कि क्षोभ मंडल में है, और क्षोभ मंडल में होने के साथ साथ यहाँ से जब पार्थिव विकिरण जो वापस जाती है तो वो पार्थिव विकिरण को जो है वापस नहीं जान देती है ये गैसें। इसके कारण यहाँ पर जो है टेम्परेचर बना रहता है। लेकिन जैसे ही क्षोभ मंडल, यह बात करें कि ये क्षोभ मंडल है और क्षोभ मंडल के जो ऊपरी सीमा है, जो रेखा है जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करती है, उसको कहते हैं ट्रोपोपॉस। क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉस। ध्यान रखिएगा, इस ट्रोपोपॉस के समीप आप बात करें कि जैसे इस ट्रोपोपॉस पर ये तापमान धीरे धीरे ऊपर जाएंगे आप, तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो है -80 हो जाती है और ध्रुवों पर पहुँचते पहुँचते -45, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूरी कम है 8 किलोमीटर, यहाँ पर दूरी जो है 18 किलोमीटर है। कल हमने बात किया था कि 165 मीटर ऊपर चलने पर, पृथ्वी के ऊपर जाने पर, वायु में जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर लगभग कहें 6.5 सेंटीग्रेड जो है तापमान में कमी आती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप खड़े हैं तो यहाँ से जब ऊपर चलेंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान पहुंचेगा। कहाँ पर? विषुवती प्रदेश में। कहाँ पर? विषुवती प्रदेश में। और ध्रुवीय क्षेत्र जो है यहाँ पर -45 होगा और यहाँ पर मध्य में देखें तो -60 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा कि धीरे धीरे ऊपर जाने पर माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं, तापमान में कमी आ रही है। तो क्या यहाँ इस मंडल में तापमान में कमी आ रही है, लेकिन अगले मंडल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं समताप मंडल में, तो 2 किलोमीटर तक कोई तापमान में कमी नहीं आएगी, यथावत रहेगा। उसके बाद 20 से लेकर के 35 किलोमीटर के मध्य जो अगला मंडल है वो 18 से 50 किलोमीटर के मध्य है, 20 से 35 के मध्य जो है ओजोन का एक संकेंद्रण पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। इस संकेंद्रण के कारण, इस ओजोन लेयर के कारण, इस गैस के कारण जो कि ऑक्सीजन के 2 अणु आपस में मिलकर के जो है प्रक्रिया करके जो है ये ओजोन बनाते हैं, इसके कारण एक बार फिर जो है सूर्य की किरणें यहाँ पर अवशोषित हो जाती हैं। कल हमने बात किया था कि जब कोई भी वस्तु प्रकाश को अवशोषित करेगी तो वो गर्म होगी, अगर अवशोषित कम करेगी तो कम गर्म होगी। जैसे कि मैंने चर्चा किया था कि लोहे की वस्तु ले लीजिए और लकड़ी की वस्तु बाहर रख दीजिए, यदि लोहे की वस्तु है वो ज़्यादा अवशोषित करेगी, इसी कारण वो जो है गर्म अधिक होती है। लकड़ी की वस्तु कम अवशोषित करती है, इसके कारण वह कम गर्म दिखाई पड़ती है या प्रतीत होती है। तो पृथ्वी जो है ठोस है और इस पर सूर्य का प्रकाश आता है तो ये ज़्यादा अवशोषित करती है, तो जितना नज़दीक रहेंगे आप उतना गर्मी अधिक लगेगी, उतना तापमान अधिक होगा। जैसे जैसे आप
ऊपर जाएंगे, दूर जाएंगे, इसका मतलब है कि आप ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। इस तरीके से कम होता चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक लेयर फिर मिल जाती है जिसको कहते हैं ओजोन, उसके कारण एक बार फिर टेम्परेचर जो है यहाँ पर घटने की बजाय अब एकाएक यहाँ से बढ़ने लगता है। किस मंडल में? समताप मंडल में। समताप मंडल में तापमान बढ़ने लगता है। मित्रों यहाँ से एक प्रश्न आता है कि किस मंडल में तापमान ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है, तो वो मंडल है सौम मंडल। किस मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, तो वो है समताप मंडल। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, समताप मंडल ऐसा मंडल है ऊंचाई पर जाने पर जो है एकाएक तापमान में वृद्धि हो जाती है, लेकिन सौम मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया था दो जो मंडल है इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि इसमें जो है क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं और क्षोभ सीमा के पास जेट प्रवाह, एक जेट स्ट्रीम जो है पवन बहुत तेज गति से चलती है, उसके अलावा जो है बिजली का तड़कना, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, हाँ, और जो उड़ान वायुयान जो कि उड़ान भरता है वो इसी मंडल से भरता है, और जबकि उड़ता कहाँ है, वह समताप मंडल में उड़ता है, और समताप मंडल में जो है वायुयान के लिए जो है अनुकूलित मंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है मौसमी घटनाओं से परे रहती है, इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, और इसमें मौसमी गुब्बारा भी उड़ाया जाता है, और भौतिक बादल कभी कभार जो है जलवाष्प यहाँ थोड़ा बहुत मिल जाते हैं, जिसके कारण जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में समताप मंडल में भौतिक बादल भी बनते हैं। तो भौतिक बादल कहाँ बनते हैं? समताप मंडल। ये बातें रही कल की। आज इसके बाद जो तीसरा लेयर है उसको कहते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल क्यों कहते हैं मित्रों? देखिए नीचे का दो मंडल आप देख लीजिए, ऊपर का दो मंडल, पांच मंडल है, मध्य का मंडल है, इसलिए इसको कहते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल में एक बार पुनः एक जो है परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन आता है कि जैसे जैसे अब ऊपर जा रहे हैं ओजोन परत जैसे ही समाप्त हो गई, ओजोन परत जैसे ही समाप्त हो गए वैसे एक बार फिर जो है टेम्परेचर यहाँ जो है गिरना शुरू हुआ। जैसे ही हम लोग ऊपर जा रहे हैं यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो जीरो तक हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, क्षोभ सीमा पर टेम्परेचर जो है -80 था, लेकिन यहाँ पर जब बढ़ा तो यह बढ़ के कितना हो गया? जीरो पे आ गया। इसका मतलब है कि जब जीरो पर पहुंच गया तो कितना बढ़ा? 80 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बढ़ गया। किस मंडल में? समताप मंडल में बढ़ने लगा तो जीरो पे आ गया। लेकिन एक बार फिर जो है जैसे ही मध्य मंडल में आप प्रवेश करेंगे ऊपर, तो यहाँ पर टेम्परेचर फिर क्या हुआ? कम होना शुरू हुआ। कम होते होते आप 80 किलोमीटर, यह कहें कि जो आपका मध्यमंडल की जो सीमा है, जो मध्यमंडल की सीमा है जिसको कहते हैं मीजोपॉज, मीजोपॉज, मीजोपॉज के पास जो है यहाँ पर पहुंचते पहुंचते -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर। ये जो है वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान कहा जाता है। किस मंडल में? मध्यमंडल। इसीलिए मध्यमंडल को सबसे ठंडा मंडल भी कहा जाता है। किसको? मध्यमंडल को। यहाँ पर घटनाएं क्या होती है मित्रों, देखिएगा, एक उल्का पिंड होता है। उल्का जब जो है ऊपर से अंतरिक्ष से जो टुकड़े होते हैं और वहां से जो है जब निकलते हैं तो उल्का के रूप में आते हैं, और यहाँ पर जो कि ये अगले मंडल जो ऊपर वाला मंडल है हम लोग पढ़ेंगे आयन मंडल, वहां पर पहुंचने पर घर्षण होता है। घर्षण के कारण जो है वहां से जब चलते हैं तो इस मध्य मंडल में आ करके जो है उल्का जो है पिंड जल जाते हैं। तो उल्का पिंड की घटना कहाँ होती है? जलते कहाँ है उल्का पिंड? मध्य मंडल में। तो इस तरीके से कह सकते हैं उल्का की घटना कहाँ होती है? उल्का पिंड की घटना मध्य मंडल में होती है। तो इससे बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो है कौन सा मंडल सबसे ठंडा मंडल है, वह है मध्य मंडल। न्यूनतम टेम्परेचर कितना हो जाता है तापमान? -100 तक पहुंच जाता है। और उल्का पिंड की घटना कहाँ हो जाती है? मध्यमंडल में। कभी कभार ये जो है बहुत ही तेज गति से आते हैं और यहाँ जलने की बजाय, क्यों जल जाते हैं? क्योंकि बहुत ही यहाँ पर ठंडा है, -100 है, तापमान बहुत न्यूनतम है, इसके कारण यहाँ जल करके राख हो जाते हैं। कभी कभी ये जलकर राख नहीं होते हैं और आकर के जमीन की सतह पर गिरते हैं और महाराष्ट्र में एक लोनार जैसी झील का निर्माण कर जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर ये धरती पर गिरते हैं तो बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण कर देते हैं और
बहुत ही कम मात्रा पे धरती पर गिरते हैं, अन्यथा ये जो है किसी न किसी तरीके से इसी मंडल में जल करके राख हो जाते हैं। तो मित्रों इस तरीके से ये तीसरी परत रही। इस परत में इससे ज्यादा और कुछ प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यहाँ इसके बाद जो परत आ रही है वो परत है आयन मंडल। आयन मंडल, इस मंडल में एक आयनिक गुण पाया जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर कोई लेयर नहीं मिली, यहाँ पर कोई ठोस पदार्थ नहीं मिला, जिसके कारण देखिए यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया, -100। अगर यहाँ पर भी कोई लेयर होती, कोई परत होती, तो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता। लेकिन लेयर जो थी वो तो यहाँ पर थी, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा था, लेकिन यहाँ पर फिर क्या हुआ, टेम्परेचर घटना शुरू हुआ, हो करके कितना हुआ, -100 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद अगले मंडल में जब हम लोग प्रवेश करते हैं वो मंडल आयन मंडल है। आयन मंडल में देखिए एक आयनिक गुण पाया जाता है। हालांकि यहाँ पर जो गैसों की मात्रा है वो बहुत कम है। हमने बात किया था कि 99% गैसें जो है यहीं पर पाए जाते हैं सौरमंडल में, बाकी जो है 1% गैसों में संपूर्ण वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं सौरमंडल को छोड़ करके। तो यहाँ पर मात्रा में सबसे कम है, लेकिन जो गुण है एक आयनिक गुण, विद्युत चुंबकीय बल, उसके कारण यहाँ पर जो सूर्य की किरणें आती हैं एक्स या गामा किरणें, वो दोनों किरणें मिल करके यहाँ एक तरीके से जो है तापमान में वृद्धि कर देती हैं। और तापमान यहाँ पर जितनी अधिक वृद्धि हो जाती है कि ऊपरी सतह तक पहुँचते पहुँचते 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुँच जाता है मित्रों इस मंडल में। इसीलिए जो है इस मंडल को और वायुमंडल को, आयन मंडल को और वायुमंडल को सम्मिलित रूप से थर्मोस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्मोस्फेयर। कभी कभी प्रश्न में ये भी आ जाता है कि थर्मोस्फेयर किसे कहते हैं, तो थर्मोस्फेयर जो है आयन मंडल और वायुमंडल को सम्मिलित रूप से जो है थर्मोस्फेयर कहते हैं, जिसे तापमंडल कहा जाता है। 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक जो है इसका विस्तार है, किसका, आयन मंडल का। आयन मंडल को जो है चार परतों में बांटा गया है। आइए देखिए चार परतें कौन कौन सी हैं। पहला है डी, फिर ई परत, एफ परत और जी परत। अब इसको डी परत क्यों कहे हैं, देखिए डी परत क्यों कहे हैं, आप यहां से शुरू करिए, ए बी सी, आपको समझ में आ जाएगा। ए परत, बी परत, सी परत और उसके बाद डी परत। डी परत को संपूर्ण होना चाहिए, लेकिन अलग अलग घटनाएं होती हैं इन चारों परतों में। आइए उन घटनाओं को देखते हैं। देखिए जो डी परत है आयन मंडल में, जो रेडियो तरंगे होती हैं, जो यहाँ से जो रेडियो स्टेशन होता है धरातल पर, पृथ्वी पर, यहाँ से जो रेडियो स्टेशन से तरंगे छोड़ी जाती हैं मित्रों, वो तरंगे जो है आ करके जो है इसी आयन मंडल से होकर के गुजर जाती हैं। किस मंडल से, आयन मंडल से ही होकर के गुजर जाती हैं। आइए इसको यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा और डीपली, कि जो ये डी लेवल है, जी डी लेयर है, इस डी लेयर से जो है दीर्घ तरंगे, कौन सी तरंगे, दीर्घ तरंगे वापस होती हैं। दीर्घ तरंगे वापस होती हैं, वो कैसे वापस होती हैं, देखिए अगर यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से ग्राफ बना रहे हैं समझने के लिए, जैसे जैसे आप ये लेयर है यहां पर जो है, दूसरी बात, दूसरा लेयर और ये जो है एफ लेयर और ऊपर जो है जी लेयर हो गया। तो ऊपर से आप देखेंगे, नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ आप देखिए कि नीचे कम सघनता है, ऊपर अधिक सघनता है। नीचे कम सघनता है, इसको डी लेयर मान लेते हैं, इसको ई एफ जी, यहां समझने के लिए कि यहां पर सघनता कम है। जो यहां से पृथ्वी से रेडियो तरंगे छोड़ी जाती हैं, रेडियो तरंगे कुछ इस तरीके से जा रही हैं और यहां से जो है लड़ने के बाद पुनः पृथ्वी की तरफ वापस हो जा रही हैं। लेकिन जो तरंगे वो तीन प्रकार की होती हैं, एक तो दीर्घ तरंगे, मध्य तरंगे और लघु तरंगे। लेकिन जो मध्य तरंगे है वो मध्य तरंग जो है इस तरीके से स्पेस से निकल जाती है, और जो शॉर्ट तरंगे है, जो लघु तरंग है, वो भी निकल जाती है। जो मध्य तरंग है मित्रों वो जाकर के इस मंडल से वापस हो जाती है, किस मंडल से, आयन मंडल के ई लेयर से जो है वापस हो जाती है। और यहाँ पर जाकर के जो है जो लघु तरंग है, इसको हम लिख देते हैं, ये दीर्घ तरंग हो गई, ये
मध्य तरंग हो गई और ये लघु, और लघु तरंग जाकर के जो है एफ लेयर से वापस होती है। किस लेयर से? एफ लेयर से। आपको याद होना चाहिए यहां पर कि दीर्घ तरंगे इस मन लेयर से परावर्तित होती हैं और मध्य तरंगे जो है इस लेयर से, और लघु तरंगे जो है लघु तरंगे इस लेयर से। उसके बाद अगर ये तीनों किसी तरीके से यहां से निकल भी गई, लेकिन यहां पर सघनता बहुत अधिक है, इसके कारण सभी तीनों लेयर दीर्घ मध्य और लघु तीनों जो है तरंगे कहां से वापस हो जाती हैं? यहां से तीनों की तीनों तरंगे वापस हो जाती हैं। तो कौन से लेयर से? जी लेयर से। जी लेयर से जो है तीनों के तीनों दीर्घ लघु या फिर मध्य तरंगे तीनों के तीनों जो है वापस होती हैं। तो मित्रों जो डी लेयर है, इस डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, इस नामकरण जो है यहां से स्टार्ट करेंगे, आपको तो याद आ जाएगा कि चार परतें इसमें पाए जाते हैं आयन मंडल में, और इस